हेलो गाइस, मैं दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोनी और मार्वल के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है स्पाइडरमैन को लेकर। तो कल फाइनली स्पाइडरमैन थिएटर्स में आने वाली है और उससे पहले इसने धमाल मचा के रखा है। अगर यूएस की बात की जाए तो वहां पे ईवे तक में टिकट्स को बेचा जा रहा है, वहां पे ब्लैक में $1000 तक में टिकट्स को बेचा जा रहा है। इतने में लिटरली आईफोन हो जाता है। वेल, इंडिया में कुछ ऐसा ही हाल है, यहां पे भी टिकट्स के लिए बहुत ज्यादा मारामारी मची हुई है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा क्रेज देखा था जब एंड गेम रिलीज हुई थी। तो आज से 3 डेज पहले मैंने नो वे होम की टिकट्स बुक करी थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो की और लिटरली वहां पर 2 ही सीटें खाली बची थी। मतलब ये मॉर्निंग का शो था, लोग मॉर्निंग में आने के लिए भी तैयार है। मतलब इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको नो वे होम का रिव्यू बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो चलो, बातें तो बहुत होगी, अब जल्दी से हम अपनी वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मार्वल स्टूडियो बना भी नहीं था, तो इनका जितना भी रेवेन्यू आता था वो आता था मूवी राइट्स और कॉमिक को सेल करके। इन्हीं सब के चलते हुए मार्वल स्टूडियो ने अपने कैरेक्टर्स के राइट धीरे धीरे करके अलग अलग स्टूडियोज को बेचना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं से मेन कैरेक्टर आता है स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे मार्वल को क्या फायदा होता था? सबसे पहला तो उनको बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाते थे राइट्स के लिए, और दूसरे नंबर पे मार्वल यहाँ पे कुछ कर भी नहीं रहा है पर उनके कैरेक्टर्स फेमस होते जा रहे हैं। यानी शुरू से पैसा वसूल कर रहा है यहाँ पे मार्वल। ऐसे ही करते करते मार्वल का जो ब्रांड वैल्यू था वो काफी बढ़ गया। तो अगर मैं 2000 के टाइम की बात करूँ तो पहले इतनी सुपर हीरो की मूवीज इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी, और उस टाइम जो मार्वल की सिचुएशन थी वो एक तरीके से बैंकक्रप्ट की पोजीशन में आ गए थे। तभी उन्होंने अपने राइट बिजनेस स्टार्ट किए। तब मार्वल ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं हुआ कि सुपर हीरो वर्ल्ड इतना बड़ा भी हो सकता है। पर सिचुएशन एकदम से चेंज हुई जब एक्समैन मूवी रिलीज हुई। एक्समैन मूवी की सक्सेस ने एक तरीके से सुपर हीरो मूवीज के रास्ते खोल दिए थे। तो एक्समैन सीरीज के बाद सुपर हीरो मूवीज का बूम थोड़ा बढ़ता गया, और इसी टाइप का फायदा उठाते हुए सोनी ने स्पाइडरमैन मूवी को लॉन्च किया, और स्पाइडरमैन मूवी उस टाइम बहुत ही ज्यादा हिट हुई। फिर स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 आई। तो आगे हुआ ये कि स्पाइडरमैन 3 ने वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो किया था, बट डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन ना होने के कारण के मेकर्स ने स्पाइडरमैन के सीक्वल्स को ना बनाने का फैसला लिया। पर मुझे लगता है इसे सीक्वल्स बनाना चाहिए थे। अब मार्वल यहाँ पे देखता है कि उसके कैरेक्टर्स कितने ज्यादा ही फेमस होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके मार्वल ने सुपर हीरो मूवीज के पोटेंशियल को समझना स्टार्ट किया, और बाद में चल के मार्वल के स्टूडियो का फॉर्मेशन किया, और फिर आयरन मैन की मूवी आई और उसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। और आज मार्वल स्टूडियो कहाँ पर है वो तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आगे चल के सोनी ने फिर से स्पाइडरमैन को रिबूट किया। 2012 में उसकी पहली मूवी आती है और उसका सीक्वल लॉन्च होता है 2014 को। बट 2014 को जो लॉन्च हुई थी मूवी उसका वही हाल होता है जो स्पाइडरमैन 3 का हुआ था। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अच्छा परफॉर्म ना कर पाने के कारण यहाँ पे सोनी ने आने वाले प्रोडक्ट को रोक दिया, और वही मार्वल ने सोनी को अप्रोच किया। यानी साइकिल चलती ही जा रही है। तो आगे चल के यहाँ पे डील होती है सोनी और मार्वल के बीच में, जहाँ पे मार्वल यूज कर सकता है स्पाइडरमैन को एमसीयू के लिए, बट यहाँ पे सोनी ने दिमाग लगाया। मतलब कि अगर आप स्पाइडरमैन की मूवी बना रहे हो तो सारा पैसा सोनी ही लगाएगा और सारा ही प्रॉफिट सोनी ही कमाएगा। लिटरली यहाँ पे मार्वल को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो मार्वल ने यहाँ पे अपना रेवेन्यू कैसे कमाया? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो मर्चेंडाइज की राइट्स अभी वो मार्वल के पास है, और ये मार्केट कितना ही बड़ा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर एक मूवी रिलीज होती है तो उसके मर्चेंडाइज भी बिकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अब रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो इन कुछ सालों के बीच में सोनी रिलीज की वेनम मूवी और स्पाइडरमैन 2 स्पाइडरवर्स, जो कि लिटरली काफी हिट रही। तो उस टाइम आप लोगों को याद होगा कि हंगामा मचने लगा था कि हमको एमसीयू में स्पाइडरमैन देखने वाला है कि नहीं। यहाँ पे सोनी और मार्वल के बीच में 5 मूवीज की डील साइन हुई थी, और इसकी लास्ट जो मूवी थी वो थी फार फ्रॉम होम। बट यहाँ पे मार्वल स्टूडियो ने सबको संभालते हुए फिर से स्पाइडरमैन को एमसीयू में लेकर आ गया है, जिसके कारण हमें नो वे होम दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये सामने निकल के आती है, जो सोनी के प्रोड्यूसर एमा पास्कल को कहना है कि नो वे होम सोनी और मार्वल के बीच में कोलैबोरेशन की लास्ट मूवी नहीं होने वाली है। तो आगे चल के 3 और मूवीज लाइंड अप है, और जो स्पाइडरमैन 4 होने वाली है और जितने भी रूमर सामने निकल के आ रहे हैं उसमें जो एक्टर होने वाले हैं वो टॉम हॉलैंड ही होने वाले हैं। एक दो चीजें और शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे जो नो वे होम की प्री बुकिंग है उसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी यहाँ पे जो मेजर बुकिंग साइट्स होती है यूएस की, बुक करते रहे बाकी सर्वर डाउन हो गए थे। नो वे होम ने ब्लैक विडो के प्री बुकिंग का रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही घंटे में तोड़ दिया था, और इक्विवेलेंट टू यहाँ पे एंड गेम के अराउंड प्री बुकिंग हुई है। फिर मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर कोविड वाली सिचुएशन नहीं होती तो यहाँ पे एंड गेम का रिकॉर्ड आसानी से टूट जाता, और शायद टूट भी गया हो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना क्या नो वे होम एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। और भी ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।